हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग साथ में शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल सा हेयर कट जो कि स्ट्रेट कट है, और स्ट्रेट कट करने में भी काफ़ी मुश्किलें आती हैं बहुत लोगों को, जो कि समझ नहीं आता कि वो स्ट्रेट कट किस तरह से करें। कभी कभी स्ट्रेट कट हो तो जाता है, मगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता है, तो उसको करने का बिल्कुल ही ईजी जो टिप्स हैं वो आज मैं आप लोग साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप 5 मिनट में ही स्ट्रेट कट कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा जो हैवी बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे बाल होते हैं, उसमें स्ट्रेट कट करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और अगर पतला बाल रहा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जब मोटे बाल रहो तो आप उसे इस तरह से कट कर सकते हैं। अगर आपको जितना लेंथ रखना है आप उस लेंथ को देख लीजिए, और उसके बाद सबसे बीच का बाल आप ले लीजिए, और उसे आप जितना लेंथ चाहिए क्लाइंट को उसके हिसाब से आप कट कर लीजिए। उसके बाद आप उससे ही मिलाते मिलाते आपको कट करते जाना है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है इसमें कि आप जो कैंची से कट कर रहे हैं वो कैंची बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको, तिरछा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप स्ट्रेट रखेंगे बाल, चाहे यू शेप में हो चाहे आपका वी कट में हो, अगर आप कैंची को बिल्कुल स्ट्रेट कट करते जाएंगे जो कट किया हुआ है उस गाइडलाइन को लेकर साथ में, तो आपका कभी भी ऊंचा नीचा बाल नहीं होने वाला है, और इस तरह से आप सारे बालों को कट कर सकते हैं, और बहुत ही इजी है। और अगर जो लोग अभी बिगिनर्स हैं वो लोग इसका प्रैक्टिस करें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से आप काफ़ी सारे हेयर कट कर सकते हैं, जो आजकल जो यंगस्टर्स जितने अभी हैं लड़कियां हैं उन लोगों का जो बाल है आगे से जो थोड़ा सा शॉर्ट होता है पीछे लॉन्ग होता है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। अगर आप स्ट्रेट कट अच्छे से कर सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, तो आप उससे ही मैच करके आपको उस तरह का हेयर स्टाइल उस पर बहुत ही अच्छा सूट करता है, और वो आप कट कर पाएंगे बिल्कुल ईजली। इसलिए सबसे ज़रूरी है आपका हाथ बिल्कुल भी सेट रहना चाहिए, कैंची बिल्कुल सीधी रखनी है आपको, और आपको बस कट करते जाना है। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सीधा कैंची रखना है और कट करना है, जिस तरह से आप पेपर पे कट करते हो ना बिल्कुल वैसे ही कट करना है, और ये बिल्कुल ही आराम से कट हो जाएगा। देखिए मैंने बीच में कट किया था, उसके बाद अब साइड में किए, उसके बाद अब इस साइड में कर रहे हैं। तो गाइस देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कट जो है लगभग मेरा कंप्लीट हो गया है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। बस ये ध्यान रखना है कि अगर मोटे बाल हैं तो उसमें ज़्यादातर यही होता है कि बाल जो हैं नीचे के जो गर्दन के पास होते हैं, नीचे के जो होते हैं वो बाल छूट जाते हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार आप कॉम करिए, और फिर उसके बाद इसे आप कट करते जाइए। जितने एक्स्ट्रा बाल आपको दिख रहे हैं वो आप कट करते जाइए, और ये बिल्कुल आसानी से कट हो जाएगा। आप जितनी बार अच्छे से कॉम करके कट करेंगे उतना ही नीट एंड क्लीन कटिंग होगा, आपका एक्स्ट्रा बाल कहीं से भी नहीं दिखेगा। कट करने के बाद थोड़ा सा क्लाइंट जो है या आप किसी का भी कर रहे हैं थोड़ा सा सर नीचे झुका दीजिए, ताकि जो गर्दन के बाल हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बाल जो है नीचे चिपक जाते हैं, तो वो झाड़ने के बाद वो बाद में अलग से दिखते हैं, इसलिए सर नीचे करके उसे आप अच्छे से कट कर सकते हैं।
तरह से आपको लास्ट में फिनिशिंग देने के लिए थोड़े थोड़े बाल लेकर और सबसे मिलाते हुए आपको कट करते जाना है एक बार और, जिससे कि आपका बिल्कुल ही सीधा कट अच्छा सा दिख जाए, अच्छे से कट हो जाए। उसके बाद देखिए मैंने सिर को नीचे किया तो पीछे से देखिए बाल दिख रहे हैं ना नीचे के आपको, जो एक दो बाल जो रह गए हैं जो थोड़े बहुत, तो ये देखिए नीचे दिखा। और इसे जो है आपको पर स्ट्रेट कट कर देना है, क्योंकि यही बाल जो होते हैं वो नीचे के छूट जाते हैं। इससे आपको इस तरह से कट करते जाना है। आपको जब तक लग रहा है कि कुछ बाल रहेगा तब तक आप कॉम्ब करिए अच्छे से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉम्ब करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा खुद को भी और क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा। अगर आप किसी के घर के सदस्य में किसी का कर रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। इस तरह से आप अच्छे से कट कर लीजिए, पर जितना भी टाइम लगे, ज़रूरी नहीं कि आपको जल्दी हड़बड़ी में कटिंग करना है। कटिंग करने में आप जितना टाइम ले रहे हो उतना टाइम लीजिए, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उसके बाद जितना आपका फर्स्ट टाइम में टाइम लगा था उससे काफ़ी कम टाइम लगेगा आपको बाद में करने के लिए। इसलिए जितना प्रैक्टिस होता है ना उतना ही स्पीड बढ़ती जाती है, तो इसके लिए आप कोई चिंता मत करिए, आप आराम आराम से कटिंग करिए और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसा कि ये फाइनल लुक है कट चुका है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अंदर हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।